हेलो एवरीवन, माय सेल्फ कमलेश चौधरी, टीम फिजिक्स सीएलसीसी कर। आज हम माइनर टेस्ट सीरीज फॉर नीट 2022 का माइनर 10 आउट ऑफ 14 डिस्कस करने जा रहे हैं। फिजिक्स में अपना टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट आर, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसकी डायमेंशन निकालनी है तो इससे रिलेटेड कोई भी एक फॉर्मूला देख लो। तो जैसे हम दो चार्जेस के बीच में फोर्स लिखते हैं, एफ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R square। Epsilon naught की dimension दिखनी है, तो Epsilon naught की जो dimension होगी, force divide में आएगा, charge का square, charge की dimension है 80 square, divide by distance, distance है L square, ये force नीचे आएगा, force का dimension होगा M L T minus 2। तो इस तरह से dimension compare करके हम calculate कर सकते हैं, M minus 1, L minus 3, T प्लस 4 और ए 2, ये इसका डायमेंशन आ जाएगा। और ये डायमेंशन अपना मैच हो रहा है फर्स्ट ऑप्शन के अंदर, तो फर्स्ट ऑप्शन अपना इसके अंदर करेक्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर टू के अंदर हमें दो पॉइंट चार्जेस गिवन है, Q1 और Q2, 3 मीटर अपार्ट है और इनके चार्ज का जो सम है वो 10 माइक्रोकूलम है। मीन्स दो चार्ज Q1 और Q2 जो है, इनके चार्ज का सम हमें गिवन है 10 माइक्रोकूलम और इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन बोला हुआ है तो इसका मतलब नेचर दोनों का अपोजिट है, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा और उसका वैल्यू है 0.075, तो वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2। तो पहले तो नेचर वाइज अपोजिट आना चाहिए, तो नेचर वाइज अपोजिट हमारे पास ये 2 है, ठीक है, ये सेम नेचर के, ठीक। तो यहां पर ये तो पॉसिबल नहीं है, अपोजिट नेचर के होने चाहिए, तो अपोजिट नेचर के क्यों, अट्रैक्शन था इसलिए, तो ये पॉसिबल है। फिर बोल रखा है कि दोनों का सम कितना होना चाहिए, 10 माइक्रोकूलम, और दोनों का सम इस वाले ऑप्शन के अंदर ये -10 माइक्रोकूलम है, ये +10 माइक्रोकूलम, तो सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। फोर से भी लिख के चेक करेंगे, सेम रिजल्ट आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर दो पॉइंट चार्जेस है, वो रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, फोर्स है उनका 10 न्यूटन रिपल्शन फोर्स, वन ऑफ द चार्ज इंक्रीज बाय 10%, एक के चार्ज को 10% इंक्रीज कर दिया, अदर रिड्यूस बाय 10%, दूसरे का 10% डिक्रीज कर दिया, तो नया फोर्स ऑफ रिपल्शन सेम डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग कितना आएगा। तो देखें, पहले उनके बीच में जो भी डिस्टेंस था उसके करस्पॉन्डिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉरी रिपल्शन यह आ रहा था K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब नया फोर्स पूछा हुआ है K, मीडियम को चेंज किया नहीं है, Q1 10% इंक्रीज कर दिया तो 110% हो गया, फ्रैक्शन वाइज लिखेंगे तो 1.1 टाइम्स हो गया पहले वाले का, दूसरे को 10% रिड्यूस कर दिया मतलब 90% रह गया, तो 90% फ्रैक्शन वाइज लिखेंगे 0.9 Q2 हो गया डिवाइड बाय R स्क्वायर। अब बाकी वैल्यूज को अलग कर लें तो ये F के अलावा बाकी लिखा हुआ है 1.1 × 0.9 जो जाएगा 0.99। तो अब जो फोर्स है पहले का 9.99 है, पहले 100 था तो ये आ गया 99 न्यूटन के बराबर, तो अब इनके बीच में फोर्स है 99 न्यूटन, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें एक अल्फा पार्टिकल गिवन है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड में सिचुएटेड है जिसके अंदर स्ट्रेंथ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो 15 × 10⁴ न्यूटन, फोर्स पूछा है, तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पार्टिकल पे होगा QE के बराबर। चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, अपोजिट है तो अपोजिट, लेकिन यहां पर केवल मैग्नीट्यूड निकालना है, चार्ज की वैल्यू। अल्फा पार्टिकल है वो हीलियम न्यूक्लियस है, तो चार्ज होगा 2 प्रोटॉन के बराबर, तो 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ 15 × 10⁴, तो इससे कितना आ जाएगा 30, और 30 × 1.6 यह आ जाएगा 48 × 10⁻¹⁵-50, तो ये वैल्यू आ जाएगी, और पॉइंट में लिखते हैं यहां पे पॉइंट शिफ्ट करते हैं तो 10⁻¹⁴ न्यूटन का, तो 4.8 × 10⁻¹⁴ न्यूटन ये फोर्स यहां पर आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव में दो पार्टिकल है, मास का रेशियो दे रखा है 1:2, चार्जेस का रेशियो 1:1, और प्लेस्ड एट रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड,
दे आर रिलीज एंड अलाउड टू मूव फॉर द सेम टाइम, उनको फ्री कर दिया, आप दोनों सेम टाइम के लिए मूव कर रहे हैं, तो रेशियो बता रहा है उनकी काइनेटिक एनर्जी का फाइनली क्या होगा। तो देखें, काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, हम लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर। वेलोसिटी लिखने के लिए दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ा हुआ है, चार्जेस का कुछ रेशियो दे रखा है, देखेंगे उसको। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बाय मास, एक्सेलरेशन आ गया। किसी टी टाइम पर वेलोसिटी हो जाएगा वी इक्वल्स टू यू, वो जो जीरो है, ए टी, ये वेलोसिटी हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी है इसका हाफ एम वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाय एम स्क्वायर है, लेकिन एक एम कैंसिल कर दो, ये बढ़ जाएगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी है इसका। अब काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा है, दोनों में कंपेयर करना है, तो दोनों में चार्जेस तो सेम है, चार्ज सेम है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, सेम टाइम के लिए है, लेकिन मास के इनवर्स रेशियो में यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी मास के इनवर्स रेशियो में है, मास का रेशियो 1:2 है, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो 2:1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक पॉइंट चार्ज है 100 माइक्रोकुलम का, जो प्लेस किया हुआ है 3i+4j मीटर पे। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज एट पॉइंट 9i+12j मीटर। इस पोजीशन पे हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो चार्ज रखा हुआ है वो पोजीशन है 3i+4j, और जहां पे फील्ड पूछा हुआ है वो पोजीशन है 9i+12j। तो इस चार्ज की वजह से इस पोजीशन पर, तो पोजीशन वेक्टर जो हो गया वो गया फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो 6i 12 माइनस 4 8j, जिसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो यह जाएगा 6² + 8² का रूट 10 मीटर। ये तो 10 मीटर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का केवल मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया k q बाय r स्क्वायर। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड k q बाय r स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 100 कैंसिल हो गया, तो यह आ गया 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम बोल दो या वोल्ट पर मीटर बोल दो, तो ये 9000 वोल्ट पर मीटर, सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज Q1 और Q2 है, 2 माइक्रो कूलम के हैं, और इंटरेक्शन विद थर्ड चार्ज Q एक चार्ज है 4 माइक्रो कूलम, इसका वैल्यू है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स ऑन क्यू, इस पे नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है। इस चार्ज की वजह से इस पे फोर्स इस तरफ लगेगा, इस चार्ज की वजह से फोर्स की डायरेक्शन ये आएगी। दोनों चार्ज इक्वल, डिस्टेंस इक्वल, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल आएगा। फोर्स चाहो तो लिख दो के Q1 माइक्रो में है, Q2 ये भी माइक्रो में है, बाय आर स्क्वायर डिस्टेंस है 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर। तो फोर्स की वैल्यू आ गई किसी एक चार्ज की वजह से, ये है 1/2 का स्क्वायर, 4 ऊपर आएगा, तो 9 × 4 × 2 × 4 ये वैल्यू आ गई। पावर देखते हैं तो -12 + 9, तो ये आ गया पावर -3 का पावर आ जाएगा, 10⁻¹। तो ये एक की वजह से फोर्स आया है, मैग्नीट्यूड वाइज दूसरे की वजह से भी इतना आएगा, लेकिन हमें कैलकुलेट करना है नेट फोर्स जो इस तरफ आएगा, तो दोनों का इधर कंपोनेंट करना है। ये अल्फा एंगल है, तो अल्फा के अलोंग कंपोनेंट करना है, एफ कॉस अल्फा, तो नेट फोर्स की वैल्यू आएगी 2f cos α, दोनों का मिला के कॉम्पोनेंट, तो 2f 9 × 4 × 2 × 4 × 10⁻³ − 3 कॉस अल्फा। कॉस अल्फा लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 0.4/0.5 या 4/5 वैल्यू देखते हैं, तो इसको भी 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वैल्यू आ गया 9 × 2 × 4 × 2 × 4 और × 4 ये और आ जाएगा। हाँ, एक चीज और है, यहां से 2 से और मल्टीप्लाई किया तो एक और 2 आना है, × 10⁻³ − 3। अब ये वैल्यू जो है वो है 4 4 4 और ये वैल्यू, तो आ गया
64 और 8, 128 इंटू 4, 526, 512 इंटू 9, तो ये वैल्यू आ जाएगी लगभग 46,460 इंटू 10^-3। ठीक है, तो ये वैल्यू यहां पर आ रही है, एक पॉइंट थोड़ा इधर उधर हो गया है, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहां पे फोर्स की वैल्यू 0.46 न्यूटन के अराउंड, ये फोर्स की ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे एक पॉइंट कहीं ऊपर नीचे हुआ है, तो इसलिए ये वैल्यू है 0.46 न्यूटन इन एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव, दोनों चार्जेस पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में 5 पॉइंट चार्जेस है, इक्वल वैल्यू के हैं और प्लेस किए हुए हैं 5 वर्टिसेस ऑफ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड लेंथ एल। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ वैल्यू माइनस क्यू कूलम प्लेस एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन। एक हेक्सागन के सेंटर पर चार्ज रख दिया है और 5 चार्जेस रखे हुए हैं हेक्सागन की साइड्स पे, एक साइड छोड़ रखी है, ये माइनस क्यू। अगर यहां पे भी चार्ज क्यू रखा होता तो नेट फोर्स जीरो, इस पे सबकी वजह से नेट अट्रैक्शन मिला के कैंसल आउट हो जाता सबका अट्रैक्शन। तो हमने क्या किया, यहां पे चार्ज नहीं था उसको प्लस क्यू माइनस क्यू करके रख दिया, तो इस प्लस क्यू की वजह से, सारे प्लस क्यू की वजह से तो जीरो हो गया, एक माइनस क्यू का फोर्स रह गया के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। और रेगुलर हेक्सागन में ये एंगल 60 डिग्री, 60 60, तो ये डिस्टेंस भी आर के बराबर ही आ जाएगी, साइड लेंथ के बराबर, तो ये फोर्स की वैल्यू है उस पर। तो फोर्स की वैल्यू होगी 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर के बराबर। तो एट्थ में फोर्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 9 में एक चार्ज है क्यू, इसको होल्ड करना है इक्विलिब्रियम में कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर पर, तो चार्ज कितना प्लेस करे सेंटर पर ताकि ये कंडीशन रहे। तो चार्जेस जो क्यू चार्जेस रखे हुए हैं कॉर्नर पर एक स्क्वायर के, इनको होल्ड करके रखना है, तो उसके लिए सेंटर पे कितना चार्ज रखना चाहिए। तो देखिये इन सब का जो फोर्स है किसी भी एक चार्ज पे मिला के जीरो आना चाहिए। पहले चार्ज का फोर्स इधर आ गया के क्यू स्क्वायर बाय साइड ए स्क्वायर, इसकी वजह से हो गया के क्यू स्क्वायर बाय साइड ए स्क्वायर, इसकी वजह से हो गया रिपल्शन इधर के क्यू स्क्वायर बाय, ये डिस्टेंस है रूट टू ए स्क्वायर करेंगे 2a स्क्वायर, और इसका फोर्स अगर इन सबको बैलेंस करना है तो इधर की ओर होना चाहिए, मतलब नेचर वाइज ये नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, अट्रैक्ट करना चाहिए, और मैग्नीट्यूड आ जाएगा के क्यू वन क्यू टू बाय डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है a बाय रूट टू, तो a बाय रूट टू का स्क्वायर करेंगे 2 पर आएगा, तो ये फोर्सेज आपस में बैलेंस होने चाहिए। तो इनका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड वाइज इसके बराबर कर दें, नेचर वाइज तो चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव ऑप्शन जो होगा उसमें से देखना है, मैग्नीट्यूड वाइज और कंपेयर करें तो इधर की ओर नेट फोर्स आएगा इन तीनों का, ये तो खुद है ही, ये तो पूरा आ गया, ये इसको 2 को यहां पे रहने देते हैं 1/2, इसका कंपोनेंट आएगा cos 45 1/√2, इसका कंपोनेंट आएगा cos 45 1/√2 इसके अलावा, और ये वैल्यू इक्वल होनी चाहिए 2kq/a² के, इसके इक्वल होनी चाहिए, तो के स्मॉल क्यू भी था kq/a² कैंसिल हो गया, बाकी 2 से अगर डिवाइड कर दें इसको तो ये आ गया q, 2 से डिवाइड किया हुआ, नीचे से पूरा 2 अगर कॉमन ले लेते तो 2 डिवाइड किया हुआ एक और 2 4, यहां पर जाता 1, 2 कॉमन लेने पर ये 1/√2 था ऊपर 2 कॉमन लिया था, ये वैल्यू आ जाएगा, तो q/4 1+√2, तो q/4 1+√2 नेगेटिव, क्यों, नेचर वाइज अपोजिट होना चाहिए अट्रैक्शन के लिए, तो फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चले, 10 के अंदर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन देन साइन ऑफ क्यू वन एंड क्यू टू। यहां पर फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड आ रही है, तो डाउनवर्ड कब आ सकती है, जब अगर इसका अट्रैक्शन हो और इसका भी अट्रैक्शन हो तो रिजल्टेंट डाउनवर्ड आएगा,
अदरवाइज अगर इसका रिपल्शन होता, इसका अट्रैक्शन होता तो नेट फोर्स इधर की तरफ आता, या फिर इसका अट्रैक्शन इसका रिपल्शन होता तो नेट फोर्स इस तरफ होता, दोनों का रिपल्शन होता तो नेट फोर्स इस तरफ होता। तो नेट फोर्स अट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब दोनों का नेचर नेगेटिव हो, नेगेटिव चार्ज। फोर्थ ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चले 11। क्वेश्चन नंबर 11 में एक क्यूब शो किया हुआ है जिसकी साइड लेंथ है एल, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और इसका मैग्नीट्यूड गिवन है और पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है, इसी के पैरेलल इधर कहीं आ रहा होगा और जो एंगल है वो बना रहा है 37 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 37 डिग्री बनाते हुए कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, मतलब अगर हम इस प्लेन को इधर से देखें, अगर हम ये देख रहे हैं कि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस आउटसाइड है, तो उस वाली कंडीशन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से आ रही है, ठीक है। अब इसमें जब क्यूब को देखेंगे तो क्यूब के इस वाले फेस को कट करते भी जाएंगे, इस फेस को भी कट करेंगे, इसको भी कट करेंगे, इसको भी कट करेंगे, लेकिन जो बॉटम है, बॉटम वाले के तो पैरेलल चली गई, क्योंकि जो एक्स वाई प्लेन है ये एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है, एक्स वाई प्लेन का एरिया परपेंडिकुलर आएगा, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो फ्लक्स पास ही नहीं होगा। सिमिलरली इस ऊपर वाले टॉप वाले एरिया के लिए बोल सकते हैं कि टॉप एरिया का भी एरिया वेक्टर जो आएगा वो जेड में आएगा और मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्स वाई प्लेन में। तो इस वाले सरफेस और जो बॉटम सरफेस है इनमें से फ्लक्स बिल्कुल नहीं पास होगा, तो ये पूछा था कि कौन सी सरफेस में से जीरो फ्लक्स पास होगा, तो वो हो गई एस वन एस टू एंड एस फोर, एस टू एंड एस फोर में से पास नहीं। 11 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं रेस से एक रीजन में जहां पे नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला स्टेटमेंट बोल रखा है कि इलेक्ट्रॉन विल बिगिन मूव टुवर्ड्स अ रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है एक रीजन में नॉन यूनिफॉर्म, तो इलेक्ट्रॉन को जब रिलीज करेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स होगा माइनस ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो इधर लो पोटेंशियल है इधर हाई पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन विल बिगिन टू मूव टुवर्ड्स अ रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन विल बिगिन टू मूव टुवर्ड्स अ लोअर पोटेंशियल, ये गलत है। इलेक्ट्रॉन विल बी मूव अलोंग अ लाइन ऑफ कॉन्स्टेंट पोटेंशियल, तो वो भी गलत है। फोर्थ, नथिंग कैन बी कंक्लूड अनलेस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन, तो ये परफेक्ट है कि अगर डायरेक्शन कोई सी भी हो, ये फोर्स लगेगा इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाने पर पोटेंशियल इंक्रीज ही होगा, तो इसलिए केवल और केवल फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। 12 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ सरफेस ऑफ ए एटम न्यूक्लियस, एटॉमिक न्यूक्लियस z इक्वल्स टू 50 ऑफ रेडियस गिवन इज, तो इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा हुआ है एक न्यूक्लियस की सरफेस पे, इसके अंदर चार्ज रहा होगा। अब चार्ज कितना, एटॉमिक नंबर है 50, तो 50 टाइम्स प्रोटॉन के बराबर चार्ज, 50 e के बराबर चार्ज है। इसकी सरफेस पे पोटेंशियल पूछा है, तो सरफेस पे पोटेंशियल हो गया k क्यूब बाय रेडियस के बराबर, तो k की वैल्यू 9 × 10⁻¹, चार्ज 50 इलेक्ट्रॉन के बराबर 1.6 × 10⁻¹⁹ प्रोटॉन के बराबर, डिवाइड बाय रेडियस 9 × 10⁻¹⁵, यह 9 कैंसिल और 50 से ये आ जाएगा 80 × 10⁻¹⁵, ये 19 था, ये रह गया −10, ये ऊपर आया तो +5 वोल्ट, इतना पोटेंशियल हो जाएगा इसकी सरफेस पे, तो उसकी वैल्यू हो गई 8 × 10⁻¹⁶ वोल्ट के बराबर। 13 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में टू कंडक्टिंग स्फीयर है, रेडियस है r1 r2 और सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है उनकी सरफेस के पास, तो रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। तो दो कंडक्टिंग स्फीयर है r1 r2 रेडियस के, तो इनकी सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम बोल रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखेंगे k क्यूब बाय r स्क्वायर, कैपिटल r बोलो,
और अगर हमें पोटेंशियल लिखना है तो पोटेंशियल लिखेंगे के क्यू बाई आर सरफेस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, रेडियस के रेशियो में पूछा हुआ है, तो अगर मैं इसको आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू आर सरफेस के लिए, जनरल रिजल्ट नहीं है, सरफेस के लिए रिलेशन आ गया। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम है, तो वी वन बाई वी टू इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आर वन बाई आर टू के रेशियो में आ जाएगा। तो रेशियो के रेडियस रेशियो में, रेडियस के रेशियो में यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ रहा हो, तो थर्ड में आर वन बाई आर टू थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 15 में तीन चार्जेस है 2q माइनस q एंड q, और उनको रखा हुआ है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे। तो सेंटर ऑफ ट्रायंगल पे पूछा हुआ है कि पोटेंशियल और फील्ड किस तरह से होगा। तो देखें यहां पे चार्ज रखा हुआ है, एक है प्लस क्यू, बाकी दो है माइनस, प्लस टू क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू। अब सेंटर पे पूछा हुआ है इसके, तो इसके सेंटर पर अगर इसकी वजह से फील्ड देखोगे डाउनवर्ड, इसकी वजह से फील्ड जो होगा चार्ज की तरफ, इसकी वजह से फील्ड चार्ज की तरफ, तो ये जो है वो ए की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनका रिजल्टेंट इसी तरफ आना है, वो जीरो नहीं पॉसिबल। फिर पोटेंशियल पूछा हुआ है, तो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी, इसकी वजह से पोटेंशियल अगर मैं लिखूं, इसकी वजह से लिख देते हैं, इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल नेगेटिव आएगा, उसको लिख दिया अगर मैंने माइनस क्यू, तो उतनी डिस्टेंस पे ये है सेम मैग्नीट्यूड का, इसकी वजह से पोटेंशियल माइनस क्यू माइनस वी। अब ये जो चार्ज है ये भी उतनी डिस्टेंस पे लेकिन डबल मैग्नीट्यूड का है, तो चार्ज के तो प्रोपोर्शनल पोटेंशियल, तो इसकी वजह से पोटेंशियल आ जाएगा प्लस टू वी, तो ओवरऑल पोटेंशियल इसके सेंटर पे जीरो, पोटेंशियल जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो बट पोटेंशियल जीरो हो जाएगा इसके सेंटर पे। 15 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टिंग कंडक्टर दे रखा है, पोटेंशियल पॉइंट ए बी सी डी पर वी ए वी बी वी सी और वी डी बता रखा है, तो क्या रिलेशन होगा इनके पोटेंशियल पे। तो देखें किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो हर एक पॉइंट पर कंडक्टर के हर एक पॉइंट इनसाइड वाले पे पोटेंशियल कॉन्स्टेंट होगा, सेम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इसलिए। तो यहां पर कंडक्टर के इनसाइड पॉइंट हुआ चाहे सरफेस पे हुआ, इन सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम है, तो आइडेंटिकल पोटेंशियल वाले पॉइंट सही है, तो फोर्थ इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में करेक्ट स्टेटमेंट मार्क करना है। पहला दे रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर अगर जीरो है तो वहां पे वी भी जीरो होगा, दूसरे में बोल रखा है कि अगर ई नॉन जीरो है तो वी भी नॉन जीरो ही होगा वहां पे, थर्ड में बोल रखा है कि वी जीरो है तो ई जो होगा वो भी जीरो होगा सेम पॉइंट पर, और फोर्थ में बोल रखा है कि वी जीरो है तो उस पॉइंट पर ई मे और मे नॉट भी जीरो पॉसिबल है। तो देखिए इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पे चार्ज लें, इस तरह से लेके देख लेते हैं, सेम चार्ज अगर है तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से अवे होने की वजह से कैंसिल होकर जीरो आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो इसका पोटेंशियल पॉजिटिव उतना ही पॉजिटिव, इसका पोटेंशियल चारों का पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, नॉन जीरो होगा, पॉजिटिव वैल्यूज ऐड कर रहे हैं। लेकिन अगर यहां पे सिचुएशन ऐसी हो कि यहां पर दो चार्जेस नेगेटिव हो, आमने सामने वाले चार्ज नेगेटिव है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज ये फिर से कैंसिल, टुवर्ड्स अवे फ्रॉम चार्ज ये भी कैंसिल हो गए, तो सेम इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो आ जाएगा, और इस बार जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पे बराबर डिस्टेंस होने की वजह से जितना नेगेटिव पोटेंशियल उतना पॉजिटिव पोटेंशियल, पोटेंशियल भी जीरो आ जाएगा। लेकिन इस अरेंजमेंट को इस तरह से कंसीडर कर लेंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, दो पॉजिटिव है दो नेगेटिव है, तो यहां पर पोटेंशियल जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव, पोटेंशियल तो जीरो आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो देखोगे तो इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, इसकी वजह से टुवर्ड्स नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब जब वी जीरो है तो जरूरी नहीं है ई जीरो हो, और जब ई जीरो है तो जरूरी नहीं है वी जीरो हो, तो यहां पर कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, इसलिए हम बोलेंगे कि इफ वी जीरो एट अ सर्टेन पॉइंट देन ई मे और मे नॉट बी जीरो, तो फोर्थ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में दो स्फेयर है और उनका रेडियस है R1 R2, कुछ डिस्टेंस पे है
लार्जर देन रेडियस ऑफ आइदर स्फीयर, और स्फीयर को कनेक्ट कर दिया एक कंडक्टिंग वायर से, और जो चार्ज है वो इक्विलिब्रियम पे Q1 और Q2 है इन पर, तो रेशियो बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का इनकी सरफेस पे क्या होगा। तो जब वायर से कनेक्ट करेंगे तो दोनों का पोटेंशियल इक्वल है, पोटेंशियल इक्वल है, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो निकालना है, तो सरफेस पे पोटेंशियल होता K Q1 by R1, K Q2 by R2, लार्ज डिस्टेंस पर है तो एक दूसरे का इंटरेक्शन है नहीं, पोटेंशियल लिख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे K Q by R2, आर स्क्वायर है इसमें, आर एक आर अलग करके पोटेंशियल लिख दो, एक आर रेडियस यूज कर लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को वी बाई आर लिख सकता हूं, तो पोटेंशियल सेम है, तो E1 by E2 पोटेंशियल तो कैंसिल हो जाएगा, रेडियस के इनवर्स रेशियो में आ जाएगा, तो इनके सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो जो है इन पे वो R2 by R1 के रेशियो में, R2 by R1 के रेशियो में आ जाएगा, इनवर्स रेशियो में ये आ जाएगा। सेकेंड 18 की बात, 19, क्वेश्चन नंबर 19 में कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस दे रखी है डायग्राम में, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के परपेंडिकुलर होता है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उधर पोटेंशियल डिक्रीज होता हुआ होता है, तो ये डायरेक्शन होगी इसकी। अब ये डायरेक्शन के लिए ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये हो गया टोटल 120 डिग्री, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 120 डिग्री पे होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो 120 डिग्री इन दोनों के अंदर है। अब मैग्नीट्यूड वाइज देखना है कि 100 है कि 200 है, तो या तो हम ये कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट कर दिया एक्स और वाई, तो एक्स कंपोनेंट जो होगा वो हम बोल सकता हूँ एक्स में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है कुछ दो पॉइंट में जो एक्स में मूव कर रहे हैं, तो एक्स में ये दोनों पॉइंट चूज कर लेते हैं, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर का, और पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है 20 और 30 10 का, तो 10 by 10, लेकिन ये सेंटीमीटर में है तो यह आ गया 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो वोल्ट पर मीटर, ये लेकिन एक्स कंपोनेंट है, अभी एक्स कंपोनेंट आया है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ई का ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगा या साइन थीटा बोल दूं, ई साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स कंपोनेंट, तो ई की वैल्यू आ गई 100 by sin थीटा, sin 30 जो आ जाएगा 1/2 ऊपर चला जाएगा, तो 200 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है जो 120 डिग्री पर है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 की बात, क्वेश्चन नंबर 20 में, मूविंग फ्रॉम ए टू बी अलोंग ए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड डज 6.4 × 10⁻⁴ - 19 जूल ऑफ वर्क ऑन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को ए से बी ले जा रहे हैं, तो इतना वर्क कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड उस इलेक्ट्रॉन पे, तो फाइव वन और फाइव टू दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, तो वीसी माइनस वीए क्या होगा वो बताना है, तो वीसी माइनस वीए, तो इसका पूरे का इक्विपोटेंशियल सरफेस सेम है, तो यहां से यहां भी बोल सकते हो या यहां से यहां भी बोल सकते हो, ये सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो जो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है सेम पोटेंशियल डिफरेंस सी और ए के बीच में होगा, पोटेंशियल डिफरेंस एन टू चार्ज ये आ जाएगा वर्क डन by work done against electric field negative, तो work done on electron, electric field का work दे रखा है यहां से यहां ले जाने पर electron पे 6.4 × 10⁻¹⁹ का divide by charge, charge की value 1.6 × 10⁻¹⁹, तो 16 से 4, तो ये 4 volt के बराबर आ रहा है, magnitude wise आ रहा है बराबर, direction wise देखते हैं, sign wise sorry, तो साइन वाइज देखें तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में जब मूव करते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो ए का पोटेंशियल कम है बी का पोटेंशियल ज्यादा है, या बोल दो कि सी का पोटेंशियल ज्यादा है ए का कम है, तो ये ओवरऑल वैल्यू आएगी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये आ जाएगा यहां पर वी सी माइनस वी ए प्लस 4 वोल्ट के बराबर 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, 21 में n चार्ज ड्रॉप है, हर एक का रेडियस r है, चार्ज q है, और इनसे एक बिगर ड्रॉप कैपिटल r रेडियस q चार्ज का बना दिया, v पोटेंशियल है उसकी सरफेस पे, e इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या रिलेशन होगा वो बताना है, तो n ड्रॉप से चार्ज पूरा कंबाइंड होके इतना चार्ज हो जाएगा एक सिंगल ड्रॉप पे, रेडियस के लिए बोल सकते हैं कि पहले जितना वॉल्यूम था उतना ही पूरे लिक्विड का वॉल्यूम अब होगा, ठीक है,
तो यहां से कंपेयर करेंगे तो रेडियस 4 बाई 3 कैंसिल हुआ, n की पावर 1 बाई 3 इंटू स्मॉल r, ये कैपिटल R और स्मॉल r में रिलेशन आ गया। अब जो पोटेंशियल है वो लिखना चाहे अगर, तो पोटेंशियल लिखेंगे, बिगर ड्रॉप का लिख रहा हूं, k q बाय r, पोटेंशियल ये लिखोगे बिगर ड्रॉप की सरफेस पे पोटेंशियल, तो ये आ गया k q बाय r, स्मॉलर ड्रॉप पर पोटेंशियल बोल सकते हैं, बाकी टर्म है n की पावर 1 माइनस 1 बाई 3 2 बाई 3। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखना है बिगर ड्रॉप पे तो हम लिखेंगे k q बाय r स्क्वायर, ये लिखेंगे, चार्ज बिगर ड्रॉप पे n q हो गया, रेडियस ये हो गई थी, तो ये वैल्यू आ गया k q बाय r स्क्वायर को अलग कर दे, जो स्मॉलर ड्रॉप का सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बाकी टर्म है n और n की पावर 2 बाई 3 आएगा, स्क्वायर करेंगे माइनस करेंगे ऊपर ले जाके तो 1 बाई 3 आएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन आ गया। तो पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में, तो देखते जाए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों में ही पावर 2 बाई 3 है, गलत हो गया, एन में 1 बाई 3 वो गलत है, बिगर ड्रॉप स्मॉलर ड्रॉप 2 बाई 3 आ जाएगा। फोर्थ 21, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में एबीसीडी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहां एबी और बीसी, एबी और बीसी डिस्टेंस गिवन है, एक स्मॉल एक मेटेलिक स्फीयर है 2 सेंटीमीटर रेडियस का और पोटेंशियल 9×10⁵ वोल्ट उसका मतलब चार्ज किया हुआ है इतने वोल्ट तक और बी पॉइंट पर रखा हुआ है, तो यहां पे एक स्फीयर रखा हुआ है। अब फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग ए पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम फ्रॉम सी टू ई, तो सी टू ए पर एक चार्ज को ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क लिख सकते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल्स टू चार्ज इनटू डिफरेंस पोटेंशियल का, तो चार्ज ले जा रहे हैं 1 कूलम, ये तो 1 हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं इस चार्ज की वजह से यहां पे स्फीयर के आउटसाइड है तो पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाय आर ए का माइनस के क्यू बाय आर सी का। अब के क्यू के लिए पहले चार्ज किया हुआ है तो के क्यू बाय आर ये पोटेंशियल था सरफेस पे, तो इसलिए के क्यू की वैल्यू हम लिख सकते हैं वी इंटू रेडियस, तो ये वैल्यू आ गई पहले 9×10⁵ वोल्ट तक चार्ज किया हुआ है और इंटू रेडियस से मल्टीप्लाई कर दिया 2 सेंटीमीटर ये, और 1 बाय आर वन, 1 बाय आर वन की वैल्यू है 25 माइनस 1 बाय आर टू की वैल्यू है 60 सेंटीमीटर में है ये भी, तो 10⁻²⁻² नीचे आएगा और 10⁻²⁻² कैंसिल कर दो, तो ये वैल्यू आ गई 9×2×10⁵ और डिवाइड बाय 25×60 और ऊपर डिफरेंस आ जाएगा इनका 35, तो वैल्यू आ गया 3 से 6 से कर दो कैंसिल 6 2 और ये 3, फिर ये 25 है 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे 100,000 है ऊपर 5 है तो 10⁻²² रह गया और रह गया 35×3×4 12, तो 35×12 या बोल दो 70×6 और ये आ गया 420×10⁻²² जूल, किलो जूल में कैलकुलेट करना है तो 42 किलो जूल के बराबर वैल्यू आ जाएगी, तो 42 किलो जूल के बराबर वर्क करना पड़ेगा इसमें 22 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, चार आइडेंटिकल चार्ज है रखे हुए हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है उसके अकॉर्डिंग, पहला रखा हुआ है एक्स एक्सिस पे 1 मीटर पे, दूसरा है वाई एक्सिस पे 1 पे, तीसरा है माइनस एक्स एक्सिस पे 1 पे, चौथा है प्लस एक्स एक्सिस पे 1 पे, इस तरह से चार्जेस रखे हुए हैं, तो पोटेंशियल ओरिजिन पे पूछा हुआ है, आइडेंटिकल चार्ज है, इक्वल डिस्टेंस पे है सेंटर से, तो सेंटर पे पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी एड होगा, जीरो नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होने की वजह से वेक्टर क्वांटिटी था, अवे होगा सेम मैग्नीट्यूड का कैंसिल आउट हो गया जीरो आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ओरिजिन पे जीरो है, दे रखा है नॉन जीरो, गलत है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट ऑन जेड एक्सिस अदर देन द ओरिजिन इज जीरो, तो जेड एक्सिस क्या सेंटर पे पोटेंशियल जीरो नहीं था, गलत है, तो फील्ड एट ऑल पॉइंट ऑन जेड एक्सिस अदर देन ओरिजिन एक्ट अलोंग जेड एक्सिस, तो यहां पे तो जीरो था, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो सबका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो नेट मिला के अपवर्ड एड होता जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस आने लग जाएगा। फोर्थ करेक्ट। 24 में सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस इंक्रीज देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्जेस,
दो चार्जेस के बीच में सेपरेशन अगर बढ़ा रहे हैं तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, सॉरी आर। अब पोटेंशियल में अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी है, आर बढ़ा रहे होंगे तो आर बढ़ाने के साथ साथ ये पूरी वैल्यू डिक्रीज होगी इफ यू पॉजिटिव। अगर ये चार्जेस नेगेटिव है फिर अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो ओवरऑल वैल्यू कम होगी, लेकिन नेगेटिव में कम होगी, तो इसलिए नेगेटिव में कम होने का मतलब इंक्रीज हो रही है अगर यू नेगेटिव है, तो इसलिए मे बी इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट 25 में दो पॉइंट चार्जेस है क्यू और माइनस क्यू बाई फोर, और एक्स एक्सिस पे कुछ सेपरेशन पे रखे हुए हैं, आर डिस्टेंस है, माइनस क्यू बाई फोर को ओरिजिन कंसिडर करना है और राइट साइड ऑफ क्यू क्यू है और इधर क्यू बाई फोर है माइनस का। ठीक है, अब पूछा हुआ है कि पोटेंशियल जीरो कहां पर है, तो पहला ऑप्शन बोल रखा है x इक्वल्स r बाई थ्री पर, तो पोटेंशियल देखते हैं कहां कहां जीरो पॉसिबल है। तो एक तो इन दोनों की वजह से स्केलर एडिशन करना है, तो यहां कहीं जीरो आ सकता है, एक इधर कहीं जीरो आ सकता है, दो पॉइंट मिल रहे होंगे, इसको x कंसीडर कर लिया, इसको y कंसीडर कर लेते हैं। x पे पोटेंशियल मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल कर देते हैं, साइन वाइज ऑपोजिट है, उसका पोटेंशियल हो गया के क्यू बाय आर माइनस एक्स, और इसका पोटेंशियल हो गया के क्यू बाय एक्स, के क्यू कैंसिल हो जाएगा, 4x रहेगा, 4x इक्वल टू आर माइनस एक्स, तो 5x x इक्वल टू आर बाय 5, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर इस साइड देखेंगे तो दूसरे साइड जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी के क्यू बाय, और इधर है डिस्टेंस, उससे आ जाएगी आर प्लस वाई, और इससे डिस्टेंस हो गई के क्यू बाय वाई, तो ये वैल्यू आ जाएगी इधर से 4y इक्वल्स टू आर प्लस वाई, तो यहां से ये y 3y की वैल्यू आ गई r, तो y की वैल्यू आ जाएगी r बाई थ्री के बराबर। अब y जो है वो नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, एक वैल्यू पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाएगी, तो r बाई थ्री पॉजिटिव है और माइनस r बाई थ्री आर बाई फाइव नेगेटिव वाला ऑप्शन, तो थर्ड हो जाएगा 25 में। नेक्स्ट 26 में यहां पे 8 चार्जेस दे रखे अरेंज किए हुए हैं, क्यूब के साइड दे रखी है एल डी, और चार्जेस दे रखे अल्टरनेटिंग प्लस क्यू माइनस क्यू, कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अरेंजमेंट, इस पूरे अरेंजमेंट की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो देखिए पूरे अरेंजमेंट की जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी उसके लिए क्या कर सकते हैं, हर एक की पोटेंशियल एनर्जी लिखे पहले, सिमेट्रिक है तो एक की एनर्जी लिखोगे वैसे ही बाकी की एनर्जी आने वाली है, तो एक की एनर्जी लिखूं इसकी वजह से और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, तीन नेगेटिव चार्ज इसके पास है तो इनकी वजह से एनर्जी आ गई के क्यू वन क्यू टू बाय आर, चार्जेस नेगेटिव थे नेगेटिव एनर्जी इनकी वजह से, तीन चार्जेस है थ्री टाइम्स आ गई। ऐसे ही इसी की एनर्जी बाकी जो डायगोनली दो तीन चार्जेस है, ये चार्ज और ये चार्ज, जो तीनों इससे रूट टू ए डिस्टेंस पर है, ये चार्ज, तो ये तीनों चार्जेस है इससे रूट टू ए डिस्टेंस पर है, तो इनकी वजह से पोटेंशियल हो गया के क्यू स्क्वायर बाय डिस्टेंस रूट टू ए, और तीन चार्जेस है थ्री टाइम्स और तीनों पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव। अब एक चार्ज रह गया ये चार्ज, ये बिल्कुल डायगोनली अपोजिट है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी आ गई के क्यू स्क्वायर बाय रूट थ्री ए डिस्टेंस है, नेगेटिव चार्ज है नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, तो ये एक का पोटेंशियल लिखा है और टोटल पोटेंशियल सबका एक जैसा ही आएगा इनटू इट, लेकिन सब में हर एक वैल्यू दो बार रिपीट हो जाएगी, इसमें भी काउंट कर रहे होंगे उस वैल्यू को, दूसरे में भी काउंट कर रहे होंगे, इसलिए हाफ और कर देते हैं उसका, तो ये टोटल एनर्जी सिस्टम की आ जाएगी, तो 4 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कॉमन, ए कॉमन ले लें, अब यहां पे रह गया माइनस 3, यहां पे रह गया प्लस 3 बाय रूट 2, यहां पे रह जाएगा माइनस 1 बाय रूट 3। अब सब में से एक 3 और कॉमन ले लेते हैं, तो 3 कॉमन लेने पर इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दे, तो q स्क्वायर 3 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a, 4 कैंसिल हो जाएगा और 3 कॉमन लेने के बाद ये पहला टर्म रह गया माइनस 1, दूसरा टर्म प्लस 1 बाय रूट 2,
तीसरे में 3 कॉमन लिया तो माइनस 1/3√3 ये एनर्जी आ जाएगी। तो ये एनर्जी थर्ड फर्स्ट और सेकंड में वैल्यू वाइज सेम है, साइन वाइज देखेंगे तो इसमें अगर नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा, तो सेकंड करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में द करेक्ट टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज, तो कोई भी चार्ज कंफर्मेशन केवल और केवल रिपल्शन से कर सकते हैं क्योंकि अट्रैक्शन तो चार्ज और न्यूट्रल बॉडी का भी होता है, अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन भी होता है, तो यहां पर चार्ज का कंफर्मेशन केवल और केवल रिपल्शन से होगा। नेक्स्ट, तो सेकंड आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट 28 में दो चार्ज है, 1 microcoulomb 5 microcoulomb 4 centimeter डिस्टेंस पे है, रेशियो ऑफ फोर्स एग्जर्टेड बाय बोथ चार्जेस ऑन ईच अदर, तो एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहे होंगे चाहे 1 की वजह से 2 पे लिखो या 2 की वजह से 1 पे, ये इक्वल ही आता है, इसलिए यहां पे रेशियो आ जाएगा 1:1। नेक्स्ट 29 में हॉरिजॉन्टल प्लेट्स चार्ज की हुई है प्लस क्यू और माइनस क्यू से, और इनका एरिया दे रखा है ए, एक चार्ज ड्रॉप जो है उसको सस्पेंड किया हुआ है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे प्लेट्स के बीच में, तो चार्ज बताना है ऑयल ड्रॉप पे कितना है, तो जो ऑयल ड्रॉप होगी उस पे फोर्सेस लग रहे होंगे एक तो एमजी, और दोनों प्लेट के चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स क्यू ई, और पॉजिटिव चार्ज ले रहे तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर की ओर पुश कर रहे होंगे, अभी इक्विलिब्रियम पे है तो क्यू ई इक्वल्स टू एमजी, और चार्ज पूछा हुआ है इसको क्यू बोल देते हैं एक बार, तो Q की वैल्यू आ जाएगी mg by E, और प्लेट्स के बीच में इक्वल अगर चार्ज है तो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इसकी वजह से ऊपर की ओर Q सिग्मा by 2 epsilon not, Q by 2 epsilon not एक की वजह से, दूसरे की वजह से भी इधर नेगेटिव की वजह से भी, तो ये आ जाएगा Q by 2 epsilon not, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया Q by A epsilon not, तो स्मॉल Q की वैल्यू आ जाएगी mg A epsilon not by Q, तो mg a epsilon not by q के बराबर, तो mg a epsilon not by q थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 29 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, एक चार्ज q है उसको प्लेस किया हुआ है सेंटर पे स्क्वायर के, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर इज इवन, और मिड पॉइंट पे बताना है कितना होगा, तो एक स्क्वायर के सेंटर पे चार्ज क्यू रखा हुआ है, कॉर्नर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, k q by a साइड डिस्टेंस अगर ले ले तो ये है a by root 2 डिस्टेंस, और एक साइड के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये हो गया k q by a by 2 डिस्टेंस है, साइड का हाफ है स्क्वायर, तो e1 बोल रखा है कॉर्नर पे by e2, k q by a स्क्वायर तो कॉमन आएगा इसमें आएगा 1/√2 ऊपर चला जाएगा √2 और इसमें नीचे रहेगा 4, तो 1/2 के रेशियो में e1/a2 आ जाएगा, तो ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 30 में। 30 के बाद नेक्स्ट 31 में टेंजेंट ड्रॉ एट अ पॉइंट ऑन लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उन पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, मैग्नीट्यूड नहीं इंडिकेट करता है कोई सा भी, तो फोर्थ हो जाएगा 32 में टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट पी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो किसी डायपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से टॉर्क लगता है पी क्रॉस की, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट 33 में अकॉर्डिंग टू द फिगर पॉजिटिव चार्ज इज सिचुएटेड एट ए एंड अ नेगेटिव चार्ज सिचुएटेड एट बी, वर्क डन इज कैरिंग ए टेस्ट चार्ज क्यू फ्रॉम ए टू बी, एक टेस्ट चार्ज को ए से बी ले जाने पर वर्क करना पड़ रहा है अलोंग द पाथ 1 एंड पाथ 2 रिलेटिवली, तो यहां पर अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से एक से दूसरे तक किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किस चार्ज को ले जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है जो चार्जेस की वजह से जनरेट होता है वो केवल, तो उस कंजर्वेटिव फील्ड में पाथ से इंडिपेंडेंट वर्क डन होता है, तो कोई से भी पाथ से ले जाओ वर्क डन सेम आएगा, तो थर्ड ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following charge is not possible? तो जो चार्ज है वो 1.6 × 10⁻¹⁹ का मल्टीपल ही होना चाहिए, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, तो क्वांटाइजेशन के बेसिस पे चार्ज Q equals to ne के बराबर होना चाहिए, प्लस माइनस हो सकता है,
तो पहला है इसका e का 1.6 इनटू 10 बार माइनस 19 का 10 टाइम्स होगा, दूसरा है सिंगल टाइम्स, चौथा है डबल, थर्ड है 1/10 टाइम्स। तो थर्ड पॉसिबल नहीं है, तो नॉट पॉसिबल पूछा हुआ है, थर्ड हो जाएगा। 34 के बाद 35 में इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूस, तो कोई इलेक्ट्रिक चार्ज अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस कर रहा होता है, रेस्ट में होता है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा, एक्सेलरेट करेगा, तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ईएम वेव जनरेट कर रहा होता है, तो बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा इसमें। 35 में थर्ड है। नेक्स्ट 36, दो आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर है, चार्ज 10 और -20 यूनिट है, दोनों स्फीयर को कॉन्टेक्ट में लाए और प्लेस कर दिया पहले वाले पोजीशन पर ही, तो रेशियो ऑफ फोर्स इन दिस टू सिचुएशन, तो पहले सिचुएशन में फोर्स लिखे, पहले सिचुएशन में फोर्स आ गया के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, सेकंड सिचुएशन में जब इनको कॉन्टेक्ट में लाए, दोनों को आइडेंटिकल है तो चार्ज दोनों में हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, तो पहले टोटल चार्ज कितना है -10 यूनिट, -10 यूनिट टोटल चार्ज है, तो डिवाइड हो गया -5 -5, टोटल चार्ज ये सम इनका डिवाइड होके -5 -5 हो गया बाय आर स्क्वायर, तो पहले था ये 200 नेगेटिव कुछ के बाय आर स्क्वायर, अब ये है 25 के बाय आर स्क्वायर, दोनों का रेशियो लोगे तो F1 बाय F2 आ जाएगा 25 208 -8/1, तो -8:1 इनके फोर्स का रेशियो। 36 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में तीन चार्जेस है और इक्वल मैग्नीट्यूड है उनका, प्लेस किया हुआ है कॉर्नर पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे रखने के बाद इफ द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस एफ, तो इसके वजह से इस पे फोर्स एफ लिख लेते हैं, देन द नेट फोर्स ऑन आइदर विल बी, किसी भी एक चार्ज पे नेट फोर्स कितना होगा, तो इसकी वजह से भी सेम चार्ज है सेम डिस्टेंस है तो बराबर मैग्नीट्यूड का है, और दोनों की वजह से नेट ये 60 डिग्री एंगल है, तो दोनों का हम बोल सकते हैं कि सेम मैग्नीट्यूड होने की वजह से वर्टिकल कंपोनेंट ऐड कर दो, तो f cos 30 एक का और दूसरे का f cos 30 मिला के नेट फोर्स बताएगा, तो ये हो गया f√3 के बराबर, तो नेट फोर्स की वैल्यू f√3 आ गई। नेक्स्ट 38, तो क्वेश्चन नंबर 38 में एक इलेक्ट्रॉन को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, देन फोर्स लगेगा, फोर्स की वैल्यू क्यू है, तो फर्स्ट गलत है, मोशन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे लगदर की और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगे इलेक्ट्रॉन है, तो मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन द डायरेक्शन अपोजिट, तो कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, फोर्स है, एक्सेलरेशन आएगा, वेलोसिटी चेंज होगी, तो एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड, तो जो फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये एक्सेलरेट होता हुआ जा रहा होगा, तो फोर्थ करेक्ट है। 38 के बाद 39, इफ वी मूव इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन में जब मूव करते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है, अपोजिट मूव करोगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, तो बी का पोटेंशियल जो है वो ग्रेटर है ए के पोटेंशियल से, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मूव कर रहे हैं डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होगा, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज होगा, सेकंड हो जाएगा। 39 के बाद 40, क्वेश्चन नंबर 40 में हमें अनचार्ज मेटेलिक स्फीयर को बता रखा है जो दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज की प्लेट्स के बीच में रखा हुआ है, तो नेचर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस विल बी, किस तरह की लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी, तो किसी भी मेटेलिक सरफेस के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं होंगी स्टैटिक चार्ज की कंडीशन में, फिर यह है कि यहां पर जब भी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी तो वो सरफेस पे परपेंडिकुलर ही इंसिडेंट होंगी और निकलेंगी तो परपेंडिकुलर निकलेंगी, न्यूट्रल है तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो जीरो होनी चाहिए, जितनी आ रही उतनी जानी चाहिए,
फिर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होनी चाहिए, फिर यहां पे इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं आ रही है इसलिए गलत है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे जबकि रिपेल होती हुई जा रही है जबकि इस पे चार्ज की वजह से इस तरफ आएंगे, इस पे इंसिडेंट करेंगे, चार्ज क्यों इंड्यूस हुआ, पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव आएगा चार्ज, दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर इस तरह से कर्व आते हुआ इंसिडेंट करेगा फिर रील निकल रहा होगा इससे, तो सेकेंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 41 41 में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे बताना है कितना आएगा, तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दोनों चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते हैं, तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है उसको ईवन बोल रखा है, ईवन लिख देते हैं अपन भी, वैल्यू आ जाएगी के Q1 बाय आर स्क्वायर, डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, 0.1 लिख दिया, तो E1 की वैल्यू आ गई 45 माइनस 6 प्लस 2, तो प्लस 4 माइनस 4 और 9 प्लस 5 आ जाएगा, तो 45 इस बार प्लस 5 एक का है, दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज है इस तरफ लिख दिया है, ये वैल्यू है के Q1 नेगेटिव है बाय आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है 6, 0.06 या 6 × 10⁻², तो E2 की वैल्यू आ गई 9 × 10⁻⁴, ये है -4, ऊपर जाके +4, तो ये रह जाएगा -2, 9 - 2 तो +7, और 36 जो है वो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट यहां पे हटा दे एक तो ये रह जाएगा 6, या इसको लिख दो 90 × 10⁻⁵ - +5, तो ये है 45 × 10⁻⁵ + 5, ये है 90 × 10⁻⁵ + 5, दोनों की वजह से रिजल्टेंट निकालना है, तो दोनों के बीच में एंगल, ये एंगल अगर देखोगे ये 6 है ये 8 है ये 90 डिग्री एंगल, तो ये एंगल आ जाएगा 37 डिग्री के बराबर, टेन 37 लिख के देख लो, टेन थीटा लिख के देख लेते, टेन थीटा की वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर 6 / base 8 3/4, तो ये 37 डिग्री एंगल है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वेक्टर एडिशन कर दो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ई वन स्क्वायर, दोनों के अंदर से कॉमन ले लो, 45 × 10⁵ कॉमन ले लो, तो 45 × 10⁵ तो बाहर रखा, बाकी इसके पास ई वन के पास 1 रह गया, ई वन स्क्वायर, ई टू स्क्वायर के पास 2 रह गया, प्लस ट्वाइस ऑफ E1 E2 कॉस, इनके बीच का एंगल, इनके बीच में एंगल है 90 प्लस थीटा, और कॉस 90 प्लस थीटा को लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 37 डिग्री, ठीक है, 90 प्लस थीटा था इसलिए साइन कॉस 90 प्लस थीटा को साइन थीटा लिखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू आ गई, अंदर वाली वैल्यू है कॉस साइन 37 जो होगा 3/5, और ये था रूट में 1 + 4, ये 1 था, टू ट्वाइस ऑफ E1 E2, तो ये 4 और इंटू 3/5, ये माइनस का 12 25 / 5 रूट, तो ये वैल्यू आ गई 12 - 25 13/5 का रूट इंटू 4.5, तो 5 से लगभग ये 2 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगा, 3 से थोड़ा कम, 2 से ज्यादा, तो 1.4 और 1.7 के बीच में कोई वैल्यू, 1.5 ले लो एक बार के लिए, तो 45 × 1.5 × 10⁻⁵ के आसपास वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 45 + 22 67 के अराउंड कोई वैल्यू × 10⁵ प्लस, ठीक है, ये वैल्यूज आ रही है, तो इसकी वैल्यू हो गई 67 × 10⁻⁴, लगभग 6.7 × 10⁻⁶ के बराबर ये वैल्यू हो जाएगी, तो फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 42। 42 में फोर्स दे रखा है, फोर्स ऑन अ चार्ज सिचुएटेड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल इज एफ, तो डाइपोल के एक्सिस पे कोई चार्ज है तो उस चार्ज पे फोर्स की वैल्यू है एफ, चार्ज को शिफ्ट कर दिया डबल डिस्टेंस पे तो फोर्स कितना हो जाएगा, तो फोर्स लिखेंगे क्यू ई,
और डाइपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2kp/r³। अब चार्ज नहीं चेंज किया, डाइपोल नहीं चेंज किया, डिस्टेंस जो है वो डबल कर दिया, तो डिस्टेंस डबल करते ही 2³/8 हो जाएगा, तो नया वाला जो फोर्स आएगा पहले वाले फोर्स का बाय 8 हो जाएगा, एफ बाय 8। 42 के बाद 43, तो क्वेश्चन नंबर 43 में रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सिस, तो एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है 2kp/r³ और इक्वेटोरियल पोजीशन, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इसकी वैल्यू आती है kp/r³। तो रेशियो जा जाएगा एक्सिस पे पहले बोला बाद में इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो 2:1 ये रेशियो हो जाएगा 43 में। 43 के बाद नेक्स्ट 44 में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस से मिलकर बनाया हुआ है, डिस्टेंस उनके बीच में 3 सेंटीमीटर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया है, तो मैक्सिमम टॉर्क कितना लगेगा, तो टॉर्क की वैल्यू होती है डायपोल पे टॉर्क इक्वल्स टू पी क्रॉस ई, मैक्सिमम टॉर्क चाहिए तो पीई के बराबर वैल्यू वाइज। अब पी की वैल्यू आ जाएगी चार्ज, कोई सा भी एक चार्ज और इनके बीच की डिस्टेंस पी, और इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 × 10^5, तो ये वैल्यू आ गया 6 × 12 × 10^-8 ये था -8, 3 रह जाएगा माइनस का, तो ये मैक्सिमम टॉर्क इस पे लग सकता है, यूनिट रहेगा न्यूटन मीटर में, तो 12 × 10^-3 न्यूटन मीटर इतना टॉर्क इस पे आएगा। 45 में एक मास जिस पार्टिकल है मास एम चार्ज माइनस क्यू दो चार्जेस के बीच में प्लेस कर दिया, दो फिक्स चार्जेस के बीच में जिनका चार्ज का वैल्यू भी क्यू दे रखा है, डिस्टेंस फिक्स चार्जेस के बीच में 2L है, तो ये डिस्टेंस 2L और इनके बीच में ये चार्ज माइनस क्यू रखा हुआ है। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बताना है कि अगर मास पार्टिकल को स्मॉल डिस्प्लेस किया करवाया है परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग, लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर इधर की ओर स्मॉल डिस्प्लेस करवा दिया एक्स, तो इस पे क्या होगा, इसकी वजह से और इसकी वजह से फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स इस तरफ आएगा, नेट फोर्स डाउनवर्ड आ रहा होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज है तो नेट डाउनवर्ड फोर्स की वैल्यू लिख सकता हूं एक की वजह से फोर्स के Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस है एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, ये डिस्टेंस इसका स्क्वायर करना है तो के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इसकी वजह से फोर्स, लेकिन इसका कॉम्पोनेंट करना है इधर की ओर थीटा ले तो कॉस थीटा होगा एक्स बाय ये डिस्टेंस, ये तो एक की वजह से फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी तो एक की वजह से फोर्स लिखा, फोर्स का कंपोनेंट किया है, दूसरे की वजह से भी सिमिलर फोर्स आएगा तो ये नेट फोर्स है, नेट फोर्स की वैल्यू आ गई। अब अगर पार्टिकल SHM कर रहा होता है तो फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, तो ये फोर्स की वैल्यू है 1/4πε0 लिख देंगे इसको, तो Q²x/4 में से 2 कैंसिल हो गया, 2πε0 L² + x²³³/3। अब नीचे वाला टर्म x और है लेकिन बोल रखा है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के करस्पॉन्डिंग, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में इस x को नेग्लेक्ट कर दो, तो जो फोर्स आ गया इस पे वो आ गया Q²x/2πε0 L²³³। अब फोर्स x के प्रोपोर्शनल है, सेंटर की तरफ भी लग रहा है, रिस्टोर भी करेगा, तो ये SHM करना स्टार्ट करेगा, SHM में इसको बोलेंगे हम ω²/m, ये टर्म हो जाएगा ω² फोर्स बाय मास, एक्सेलरेशन आएगा और एक्सेलरेशन x के प्रोपोर्शनल है, बाकी टर्म ω² है, तो फ्रीक्वेंसी पूछी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो जाएगी f = ω/2π, तो ये वैल्यू आ गई 1/2π, एक मिनट, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा f = ω/2π और ओमेगा की वैल्यू Q²/2πε0 L³³ √ 2π, Q कॉमन ले लेंगे तो Q/2π और बाकी टर्म 2mπε0 L³ फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो इसी के साथ हमने पेपर का डिस्कशन खत्म होता है। आने वाले पेपर्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।